इटारसी के मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम मिंडकी एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार मिल चुका है। ग्राम प्रधान प्रदीप खरे ने बताया कि उनके द्वारा ही गांव के चौमुखी विकास के लिए शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा और आरओ लगवाए गए। इन्हीं कार्यों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा उन्हें सम्मान पत्र भेजा गया। आज मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेड़की में हम खड़े हुए हैं, जहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा जो ग्राम के कार्य हैं उसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री जी ने इनको सम्मानित किया है, हमारे ग्राम प्रधान प्रदीप खरे जी को। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, आपको ये जो प्रशस्ति पत्र भेजा गया है केंद्रीय मंत्री के द्वारा, ये किस कारण आपके पास भेजा गया है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के मिला हमें उसके उपलक्ष्य में भेजा गया है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में 32 ग्राम पंचायतों को मिलता है जी, इसमें झांसी जिले की 2 ग्राम पंचायतें हैं, मेड़की और कोटरा। तो 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी को झांसी आ रहा था पंचायती राज दिवस पर, तो वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से मोमेंटो मिल रहा था हमें। अब कोविड-19 की वजह से ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया, इस वजह से माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने डाक द्वारा हमारे घर पर भेजा। प्रधान जी, सुना है कि 2018 में भी आपकी ग्राम मेड़की को उत्कृष्ट स्थानों में देखा गया था जी, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन मिला था हमें जी 2018 में। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। आगरा की तहसील अकमादपुर के कस्बा बरहन में 3-4 दिन पहले जलस्तर गिरने से पानी की किल्लत हो गई है। कस्बे में स्थित मकानों के नल और समरसेबल पानी नहीं उपलब्ध कर रहे हैं, जिससे कस्बा बरहन में भीषण संकट पैदा हो गया है। इसी के चलते पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने पानी की किल्लत को देखते हुए कस्बा बरहन में जगह जगह पानी के टैंकर भिजवाए और पानी को वितरित किया गया। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता रामसेवक धाकरे की रिपोर्ट।